विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट आर दी आउटपुट डिवाइसेस? लास्ट डे हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। दी आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू सी दी रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड इनपुट। अब जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं टू सी द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेस्ड इनपुट। जो भी इनपुट हमारी प्रोसेस होती है उनके रिजल्ट्स देखने के लिए, ठीक है। दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, अब तरह तरह की जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इस तरह से हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इनको। सबसे पहले है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। अब ये जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो देखने में किस तरह की होती है, टीवी स्क्रीन की तरह, ठीक है। एंड यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, और इस्तेमाल की जाती है इंफॉर्मेशन को देखने में। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स। बोल रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है ये बहुत सारे पिक्सल्स के ऊपर डिस्प्ले करती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल मेक्स द रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। अब ये जो बहुत सारे जो पिक्सल्स होते हैं वो स्क्रीन का क्या बनाते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। मोस्टली स्क्रीन रेजोल्यूशन इज 1024 बाई 768 पिक्सल्स, ठीक है। अब मोस्टली जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1024 बाई 768 पिक्सल्स। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स आर सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब है, एल सी डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, एल ई डी है, लाइट एमिटिंग डॉइट्स हैं, प्लाज्मा है, ओ एल ई डीज भी आ गई हैं मार्केट में, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डॉइट्स होती हैं, ठीक है। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट में एक हम बात कर रहे थे यहाँ पे पिक्सल के बारे में। इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल। अब ये पिक्सल होते क्या हैं, चलिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि ये पिक्सल जो हैं वो किस तरह से उस पिक्चर को बनाते हैं, और ये बहुत सारे पिक्सल जो हैं एक रेजोल्यूशन के रूप में कैसे नज़र आते हैं, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं फोटोज़ के अंदर ही। पिक्चर ओपन कर रहा हूँ मैं, एक इसी पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएंगे कि पिक्सल्स कैसे हैं, कैसे ये रेजोल्यूशन बना रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास ये एक पिक्चर है ना, अगर मैं इस पिक्चर को एनलार्ज करता हूँ तो इस तरह से ये स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। ये देखो इस पिक्चर में ना, अगर इस पिक्चर को मैं इस तरह से जूम करता हूँ तो इस तरह के हमें इस तरह की जो बॉक्सेस बन रहे हैं ना, ये देखो लाइंस बन रही हैं, ग्रिडिंग बन रही है, ठीक है। जैसे एक्सेल में बनी होती है ना, सेल्स बने होते हैं वैसे बन रहे हैं। इस हर एक जहाँ पे ये दो लाइंस आपस में एक बिंदु पे काट रही है ना, इस बिंदु को हम बोल रहे हैं पिक्सल, ठीक है। इन पिक्सल से अब देखो यहाँ पे कितने सारे पिक्सल्स हैं, ये कितने सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स, इज ए ग्रुप ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। बहुत सारे पिक्सल्स जो है मिलके पिक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पिक्सल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स। प्रिंटर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक में भी शायद पढ़ा हुआ है आपने। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज टू प्रिंट आउटपुट ऑन टू ए पेपर एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन। अब प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करती है आउटपुट को पेपर के ऊपर और कंप्यूटर बेस्ड जो भी एप्लीकेशन होती हैं उन सबको, ठीक है। एम एस ऑफिस एप्लीकेशन होगी एट्सेट्रा, जो कुछ भी होते हैं कंप्यूटर में एप्लीकेशन, उन सब के हम प्रिंट्स ले सकते हैं, ये आपको पता ही है। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर। अब यहाँ पे दो प्रिंटर्स की टाइप हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट होता है जो प्रेशर डाल के दबाव डाल के प्रिंटिंग करते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरे होते हैं बिना दबाव डाले हुए, बिना प्रभाव डाले हुए, बिना प्रेशर डाले हुए जो प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर बाई स्ट्राइकिंग अगेंस्ट रिबन ऑन टू ए पेपर।
अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ना, इनमें एक रिबन लगा होता है और उस रिबन के पीछे जो होता है कुछ इस तरह से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कुछ एक होते हैं उनमें स्पोक्स लगे होते हैं, आयरन की प्लेट्स लगी होती हैं, वो स्क्राइब करती हैं उस रिबन के ऊपर और प्रिंट करती हैं, ठीक है। यानी कि लंबी लंबी पतली पतली मेटल की पत्तियाँ लगी होती हैं, या उनको स्पोक्स भी बोलते हैं हम, है ना। तो वो क्या करती हैं, उस रिबन के ऊपर टकराती हैं और हमारे जो बर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे वैसे प्रिंट होते हैं। यानी कि एक तरह से वो प्रभाव डाल के प्रिंटिंग कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल के प्रिंटिंग कर रहे हैं ना। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर बाई स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू ए पेपर, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स बाई स्ट्राइकिंग, टकरा कर अगेंस्ट द रिबन, रिबन के आगे, ऑन टू ए पेपर, पेपर के ऊपर, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये भी दो तरह के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं और दूसरे लाइन प्रिंटर्स होते हैं। जो करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, द करेक्टर प्रिंटर्स प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम, दीज प्रिंटर आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो करेक्टर प्रिंटर्स होते हैं वो एक ही करेक्टर प्रिंट करते हैं एक समय में, ठीक है। अब इन प्रिंटर्स की भी दो टाइप है, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं जो डॉट डॉट डाल के प्रिंटिंग करते हैं, उनको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं, और जो डेजी बील प्रिंटर होते हैं वो भी डॉट डॉट डाल के प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखते हैं पहले। दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर बाई पुटिंग डॉट्स ऑन टू ए पेपर। अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट करते हैं करेक्टर बाई पुटिंग डॉट्स ऑन टू ए पेपर, कागज़ के ऊपर डॉट डॉट डाल के प्रिंटिंग करते हैं। ये शब्द भी लिखेगा तो डॉट डॉट डाल के, पिक्चर बनाएगा तो डॉट डॉट डाल के, ठीक है। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डू नॉट गिव बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी देन डेजी बील प्रिंटर। अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, इनकी क्वालिटी जो होती है प्रिंटिंग की वो अच्छी नहीं होती है डेजी बील प्रिंटर से, डेजी बील प्रिंटर की अच्छी होती है, बल्कि इन प्रिंटर्स की अच्छी होती है। दीज प्रिंटर्स आर फास्टर देन डेजी बील प्रिंटर, लेकिन ये प्रिंटर जो होते हैं वो फास्ट होते हैं डेजी बील प्रिंटर से, ठीक है। अब बात करते हैं डेजी बील प्रिंटर की। दीज प्रिंटर प्रिंट करेक्टर बाय विद स्पोक्स बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन। अब ये भी सेम वैसे ही करेक्टर प्रिंट करता है बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन, रिबन के आगे इस तरह से टकराता है, ये मेटल की प्लेट्स होती हैं उनको, और वो पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती है। दीज प्रिंटर गिव बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बोलेंगे ये जो प्रिंटर होते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अच्छी प्रिंटिंग की क्वालिटी देते हैं, ठीक है। तो ये करेक्टर प्रिंटर्स की दो टाइप्स थी। अगेन अब दूसरे पे आते हैं, लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। अब जो करेक्टर प्रिंटर्स थे, अब चलो पहले तो मैं आपको इनको दिखाई देता हूँ ये कैसे होते हैं देखने में। ये देखो, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, इनकी जो प्रिंटिंग होती है डॉट डॉट्स में प्रिंटिंग करते हैं ये, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी बिल प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर्स की टाइप्स। अब बात करते हैं इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। हो सकता है कि आपको ये सीधा ही क्वेश्चन पूछें एग्जाम में कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में ना भी पूछें, ठीक है। पर लेकिन चलो इनकी एडवांटेजेस हम देख ही लेते हैं। पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ करेक्टर प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज क्वाइट लो। अब ये जो पेज को प्रिंट करने की जो कॉस्ट आती है, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसकी बिल्कुल ही लो कॉस्ट आती है, यानी कि बोलो कि 25 पैसे की प्रिंटिंग होती है इसकी, ठीक है। दीज प्रिंटर कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ एक डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंटिंग यूजिंग 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी। ये जो प्रिंटर होते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपीज से प्रिंट कर सकते हैं सिंगल प्रिंटिंग में, यूजिंग 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी। 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इसका जो पेज होता है ना, जैसे प्रिंटर आप लोगों ने देखे हुए हैं ना दूसरे वाले लेजर प्रिंटर, तो उनमें तो सिंगल पेज होता है A4, इनमें जो A4 पेज होगा ना वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं, फोल्डिंग में होते हैं, ठीक है। लंबे ऐसा इस तरह से बना होता है जैसे रिबन की तरह लंबे लंबे पेजेस होते हैं, फोल्डिंग में होते हैं, उनको 2 फोल्ड और 3 फोल्ड स्टेशनरी बोल रहे हैं, ठीक है। दीज प्रिंटर कैन बी यूज इन रफ कंडीशन, इन प्रिंटर्स को हम रफ कंडीशन में, मान लो कि ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं तो रफ कंडीशन उनको बोल रहे हैं कि रफ कंडीशन में इन प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी डिसएडवांटेज क्या है, दी प्रिंटिंग स्पीड ऑफ करेक्टर प्रिंटर इज लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। अब जो प्रिंटिंग स्पीड होती है करेक्टर प्रिंटर्स की बिल्कुल ही लो होती है लेजर प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर जो टाइप है ना वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है, ठीक है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि उनसे तो बिल्कुल ही कम होती है इनकी स्पीड। द प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ करेक्टर प्रिंटर इज लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। अब जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है करेक्टर प्रिंटर्स की वो भी लो होती है लेजर प्रिंटर्स की तुलना में। दीज प्रिंटर्स आर वेरी नॉइसी। अब ये जो प्रिंटर होते हैं बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। दीज प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट कलर कॉपीज। ये जो प्रिंटर होते हैं सिर्फ कलर, ये प्रिंटर सिर्फ
सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कॉपीज ही प्रिंट करते हैं, कलर कॉपीज को प्रिंटर प्रिंटिंग उनकी प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं हमारे लाइन प्रिंटर्स। अब जो करेक्टर प्रिंटर्स हैं वो करेक्टर प्रिंट कर रहे थे एट ए टाइम, ठीक है। अब लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो दी लाइन प्रिंटर्स प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। अब जो लाइन प्रिंटर होते हैं वो लाइन बाई लाइन प्रिंट करते हैं, जो शब्द बनाना होगा, पिक्चर बनानी होगी, तो लाइन लाइन्स डाल डाल के ये प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ दीज प्रिंटर इज मच फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बोल रहे हैं कि इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा होती है। द लाइन प्रिंटर्स हैव टू टाइप्स। अब इसके भी दो टाइप हैं, ड्रम प्रिंटर्स होते हैं और चेन प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह की होते हैं देखने में ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स, लेकिन इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पहले दी हुई है तो उनको देख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शायद डिलीट ही हो गया होगा, चलो। द प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब जो प्रिंटिंग स्पीड होती है लाइन प्रिंटर्स की वो फास्ट होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। द प्रिंटिंग क्वालिटी इज बेटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब जिनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंटिंग यूजिंग टू फोल्ड और थ्री फोल्ड स्टेशनरी। अब लाइन प्रिंटर जो होते हैं वो भी प्रिंट कर सकते हैं मल्टीपल कॉपीज, एक डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपीज ये प्रिंट कर सकते हैं एक सिंगल प्रिंट में ही, वो भी यूजिंग टू फोल्ड और थ्री फोल्ड स्टेशनरी। इसमें भी वो फोल्डिंग वाला पेज यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ए फोर यूज नहीं होता, फोल्डिंग वाला पेज यूज होते हैं ना, बंडल ही होता है पूरे के पूरे पेजेस का। अब इनकी जो डिसएडवांटेजेस है, दी प्रिंटिंग स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। अब जो प्रिंटिंग स्पीड होती है ना लाइन प्रिंटर्स की वो कम होती है लेजर प्रिंटर से, ठीक है। करेक्टर और लाइन प्रिंटर जो होते हैं इनकी प्रिंटिंग स्पीड कम ही होगी लेजर प्रिंटर से। लेजर प्रिंटर तो आज के ज़माने की नई टेक्निक्स हैं, उनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। दी प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज लो एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर। अब जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी लेजर प्रिंटर से बिल्कुल ही लो है, बहुत ही कम है। अब ये होते हैं ड्रम प्रिंटर्स, ठीक है। इस तरह के ड्रम्स पड़े होते हैं, इसलिए उनको ड्रम्स ही बोल रहे हैं हम, ड्रम प्रिंटर्स। अब जो चेन प्रिंटर्स होते हैं वो चेन प्रिंटर्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। ड्रम प्रिंटर्स ये हैं जिनमें ड्रम्स डालते हैं, और चेन प्रिंटर्स ये हैं। डायरेक्टली इनकी थ्योरी नहीं लिखी हुई है, सीधा दिखा दिया मैंने। इनको चेन प्रिंटर्स इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इस तरह की चेन बनी होती है, जो भी प्रिंटिंग वाली जो इसमें रॉड लगी होती है ना ड्रम को मूव करने वाले, वो चेन के जरिए होती है, इस तरह से मूविंग जो होती है। लेकिन लेजर प्रिंटर में आपने देखा होगा एक पतली सी लंबी सी एक फट्टी सी बनी होती है, ठीक है, वो खींचती है आगे पीछे जो भी प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं लेज़र, जिसमें लेज़र प्रिंटर में उस लेज़र को मूव करने के लिए उसमें वो उस तरह की लगी होती है। लेकिन इसमें ये चेन प्रिंटर्स में ड्रम को मूव करने के लिए चेन लगी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स दैट प्रिंट करेक्टर्स बाई थर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इंक जेट टेक्नोलॉजीज इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू ए पेपर, ठीक है। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो प्रिंट करते हैं करेक्टर्स थर्मल, थर्मल यानी कि एक तरह से ऊष्मीय, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे थर्मल को ऊष्मीय, जो गर्मी गर्मी से प्रिंटिंग करने वाली कोई चीज़ थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बिजली से इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, एंड इंक जेट टेक्नोलॉजी और स्याही से इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो थर्मल से इलेक्ट्रोस्टैटिक से और इंक जेट टेक्नोलॉजी से प्रिंट करते हैं इंस्टेड ऑफ, इसके विपरीत स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन में रिबन ही लगा होता है उसके उल्ट, ठीक है, थर्मल से इलेक्ट्रोस्टैटिक टेक्नोलॉजी से और इंक जेट टेक्नोलॉजी से प्रिंट करते हैं ऑन टू ए पेपर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इंकजेट प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। चलिए अब शुरू करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स से। इंकजेट प्रिंटर्स, दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर्स और इमेजेस बाय स्प्रेइंग पेपर विद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक। अब बोल रहे हैं कि ये जो प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट करते हैं करेक्टर और इमेजेस को बाय स्प्रेइंग पेपर, पेपर को स्प्रे करते हैं विद इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इंक, जो बिजली से चार्ज होती है इंक उससे, ठीक है। दीज प्रिंटर्स गिव बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी देन अदर प्रिंटर। अब ये जो
प्रिंटर्स हैं ये बहुत ही बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी देते हैं दूसरे प्रिंटर्स की अपेक्षा में, ठीक है। वी कैन यूज़ वेरियस कलर कार्ट्रिजेस फॉर मल्टी कलर प्रिंटिंग विद दीज प्रिंटर्स। अब ये जो प्रिंटर्स होते हैं इनमें हम कलर कार्ट्रिजेस यूज़ कर सकते हैं मल्टी कलर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। दीज प्रिंटर्स आर चीपर देन लेज़र प्रिंटर, लेकिन ये जो प्रिंटर्स होते हैं ना वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं लेज़र प्रिंटर से, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से ये सस्ते होते हैं खरीदने में, जबकि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर जो लेज़र प्रिंटर होता है वो महंगा होता है। चलिए बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, क्या क्या एडवांटेज है उनसे ही पता चल जाएगा। द प्रिंटिंग क्वालिटी इज हाई देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो इम्पैक्ट प्रिंटर से बढ़िया है, वो तो होगी बढ़िया। इम्पैक्ट प्रिंटर तो ब्लैक एंड व्हाइट और डॉट और लाइन्स में प्रिंट करते हैं। दीज प्रिंटर्स आर नॉइसलेस, इनकी आवाज़ भी नहीं होती है प्रिंटर्स की। दीज प्रिंटर आर लाइट वेट, ये प्रिंटर हल्के होते हैं वजन में। दीज प्रिंटर कैन प्रिंट कलर कॉपीज, ये प्रिंटर जो है कलर कॉपीज प्रिंट कर सकते हैं। दीज प्रिंटर आर चीपर देन लेज़र प्रिंटर, ये प्रिंटर जो होते हैं वो चीपर मतलब सस्ते होते हैं लेज़र प्रिंटर से, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इंक जेट प्रिंटर डू नॉट सपोर्ट टू फोल्ड और थ्री फोल्ड स्टेशनरी, ठीक है। इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं टू फोल्ड और थ्री फोल्ड जो स्टेशनरी होती है, जो फोल्डिंग में पेज होते हैं ना, जो यूज़ होते हैं हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, यानी कि करेक्टर और लाइन प्रिंटर्स में जो पेजेस यूज़ होते हैं ना वो इसमें यूज़ नहीं होते। इसमें ए फोर पेपर यूज़ होता है, या जो बनाए होते हैं 6x6x4 पेजेस बनाए होते हैं प्रिंटिंग के लिए, फोटो प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। दी प्रिंटिंग स्पीड इज़ लोअर देन लेज़र प्रिंटर, अब इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो लेज़र प्रिंटर से कम होती है, देखिए, ठीक है। पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ हाई देन लेज़र प्रिंटर प्रिंटर्स, ठीक है। इनकी जो पर पेज, हर एक पेज को प्रिंट करने की जो कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, वो लेज़र प्रिंटर से ज़्यादा होता है। कलर कॉपी तो आपको पता ही है महंगी है, अगर ब्लैक एंड वाइट हमारा 2 रुपये में प्रिंट हो रहा है तो ये 5 या 10 रुपये में प्रिंटिंग होगी इसकी कलर कॉपी, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं हमारे लेज़र प्रिंटर, यानी कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स होते हैं। लेकिन यही प्रिंटर जो हैं ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, और कंपनीज में कहीं पे भी जाओ ये प्रिंटर्स, प्राइवेट कंपनीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इन्हीं प्रिंटर्स को हम यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर्स को, क्योंकि ऑफिशियल सारे काम इन्हीं प्रिंटर से चलते हैं। दीज प्रिंटर्स प्रिंट करेक्टर्स और इमेजेस विद हाई स्पीड एंड लेज़र बीम टेक्नोलॉजी ऑन टू ए पेपर। अब ये जो प्रिंटर होते हैं प्रिंट करते हैं करेक्टर और इमेजेस को विद हाई स्पीड, पूरी स्पीड के साथ, एंड लेज़र बीम टेक्नोलॉजी, और मैं लेज़र बीम की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेज़र आपने देखे भी होंगे, खेलते भी होंगे दोनों आप लोग लेज़र के साथ, है ना, उसी तरह का एक लेज़र लगा होता है इसके अंदर, लेज़र बीम पड़ती है वही प्रिंट करती है। दीज प्रिंटर कैन प्रिंट 4 to 20 pages पर मिनट, अब ये प्रिंटर जो होते हैं 4 से 20 pages जो होते हैं वो 1 मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। दीज प्रिंटर आर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर्स, अब ये जो प्रिंटर होते हैं वो महंगे होते हैं, जो कलर्ड प्रिंटर होते हैं इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उनसे महंगे होते हैं ये, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है अब इनकी, दी प्रिंटिंग स्पीड इज़ मच फास्टर एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स, अब इनकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है डॉट मैट्रिक्स और इंक जेट प्रिंटर से। दी प्रिंटिंग क्वालिटी इज़ बेटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और इम्पैक्ट प्रिंटर से इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। दीज प्रिंटर्स आर नॉट नॉइजी, ये प्रिंटर जो होते हैं वो शोर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की, पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनकी जो पर पेज को प्रिंट करने की जो कॉस्ट आती है लेज़र प्रिंटर की, ये ज़्यादा होती है हमारे उन करेक्टर और लाइन प्रिंटर से, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना उनसे ज़्यादा इनकी जो कॉस्ट होती है उनसे ज़्यादा होती है। लेज़र प्रिंटर डू नॉट सपोर्ट टू फोल्ड और थ्री फोल्ड स्टेशनरी, ये जो लेज़र प्रिंटर होते हैं ये सपोर्ट नहीं करते हैं हमारी टू फोल्ड और थ्री फोल्ड स्टेशनरी को, ठीक है। ओनली स्टैंडर्ड साइज ऑफ पेज कैन बी यूज इन दीज पेजेस सच एज A3 A4, ठीक है। इनमें स्टैंडर्ड साइज ही पेज का यूज़ होता है, A3 जैसे A4 मैंने बताया था, इन प्रिंटर्स के अंदर ये होते हैं लेज़र प्रिंटर्स, देखे ही होंगे आपने, स्कूल्स में भी देखे होंगे लगे हुए, स्कूल के काम को करने के लिए, अपने असाइनमेंट बनाने के लिए भी आप लोगों ने यूज़ किए होंगे 9 और 10 में। अब बात करते हैं थर्मल प्रिंटर्स की और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स की, ये थर्मल प्रिंटर्स हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हैं। थर्मल प्रिंटर, दीज प्रिंटर प्रिंट करेक्टर्स बाय मेल्टिंग वैक्स बेस्ड इंक ऑफ ए रिबन ऑन टू ए स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर, अब बोल रहे कि ये जो प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट करते हैं करेक्टर्स या इमेजेस को बाई मेल्टिंग वैक्स, एक वैक्स होती है उसको मेल्ट करते हैं यानी कि पिघला कर, बेस्ड इंक, मेल्टिंग वैक्स बेस्ड इंक को पिघला कर, यानी कि जो वैक्स होती है उसमें कोई इंक होती है ना उसको ये मेल्ट करता है एक रिब ऑफ ए रिबन, रिबन के ऊपर, ऑन टू स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर, और एक पेपर यूज होता है इसमें स्पेशल हीट सेंसिटिव,
जो पेपर जो है वो उस हीट को सेंस करने वाला होता है, ठीक है, और उस जो भी हीट सेंस होती है ना उसको सेम वैसे ही उस पे ये प्रिंट कर देता है। ये थर्मल प्रिंटर मतलब कुल मिला के ऐसा बोला बोले अगर हम सिंपल से शब्दों में, तो थर्मल प्रिंटर जो होते हैं वो गर्मी के साथ स्याही को पिघला के एक स्पेशल पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये थर्मल प्रिंटर होते हैं इस तरह के। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, दीज प्रिंटर प्रिंट करेक्टर विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बाई ब्रेकिंग अ कलर इंटू थ्री बेसिक कलर, सियान, मैजेंटा एंड येलो। अब देखो ये जो प्रिंटर होते हैं ये प्रिंट करते हैं करेक्टर विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं क्योंकि ये बिजली को एक खास तरह के एक स्टैटिक टेक्निक में बदल देते हैं और वो कलर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, सियान, मैजेंटा और येलो कलर में। इस प्रिंटिंग स्पीड अप टू 20,000 लाइन्स पर मिनट, 1 मिनट में 20,000 लाइन्स को ये प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिंटर्स की टाइप्स। अब आता है हमारा थर्ड टाइप आउटपुट डिवाइस का, स्पीकर। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस साउंड। स्पीकर जो होते हैं एक आउटपुट का उपकरण है जो आवाज़ निकालता है। स्पीकर कंटेन मैग्नेट, मेटल कॉइल, फ्लेक्सिबल पेपर और प्लास्टिक एंड अ कोन दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू ए साउंड वेव। अब ये जो होता है ना स्पीकर्स में देखो क्या क्या लगा होता है। इट कंटेन अ मैग्नेट, ये देखो ये एक मैग्नेट लगा होता है इनमें। मेटल कॉइल लगी होती है, एक अंदर एक कॉइल होती है, अगर स्पीकर को फाड़े तो इस अंदर एक मेटल कॉइल निकलेगी इस तरह से। फ्लेक्सिबल पेपर लगा होता है आगे इस तरह से, एक फ्लेक्सिबल लचकदार पेपर लगा होता है और प्लास्टिक भी उस लगा होता है कई में, कई कई जो स्पीकर्स होते हैं उनमें। एंड अ कोन दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल, और एक कोन, ये कोन बना हुआ है दैट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू साउंड वेव। ये सारे के सारे मिलके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दी स्पीकर्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक सॉन्ग्स और ए साउंड वेव एटसेट्रा। ये आपको पता ही है कि स्पीकर हमारे किस किस काम आते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ आउटपुट डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स की, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स की होती हैं। मैग्नेटिक मतलब चुंबक, ठीक है, चुंबकीय टेक्निक होती है इसमें। अब देखो ये काम कैसे करती है। अब मैग्नेटिक डिस्क इज ए स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क एक चुंबकीय डिस्क जो है एक संचय करने वाला उपकरण है, स्टोर करने वाला डिवाइस है। दैट यूजेस अ मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस टू राइट, रीराइट एंड एक्सेस डाटा, ठीक है। अब ये यूज़ क्या करता है, एक मैग्नेटाइजेशन एक चुंबकीय प्रोसेस को यूज़ करता है, एक चुंबकीय क्रिया को यूज़ करता है। राइट, राइट मत लिखने में, सेव करने में, रीराइट दोबारा से उसके ऊपर लिखने में, रीराइट करने में, एंड एक्सेस डाटा और डाटा को एक्सेस करने में, पता ही है ना ये सारी चीज़ें होती है। राइट करना मतलब जो सेव करते हैं, रीराइट दोबारा हम सेव एज करते हैं, ठीक है, एंड एक्सेस डाटा और डाटा को हम निकालते भी तो हैं, डबल क्लिक करते हैं और डाटा एक्सेस भी हो रहा है, लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये सारा काम जो है मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस से होता है इसके अंदर। ये देखो ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, ऊपर एक ये लंबा सा इसमें हेड लगा होता है। चलो देखते हैं, इट इज कवर्ड विद ए मैग्नेटिक कोटिंग। ये पूरी की पूरी एक मैग्नेटिक की कोटिंग से कवर्ड होती है एंड स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स, और डाटा को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स, ट्रैक्स के रूप में, स्पॉट्स एंड सेक्टर्स के रूप में। इसमें सेक्टर्स बने होते हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, स्पॉट्स बने होते हैं, ट्रैक्स बने होते हैं, उनके अंदर सारे के सारे डाटा को ये सेव करती है। आपने सीडी में भी देखा होगा, गौर से देखेंगे अगर सीडी को, तो उसमें इस तरह से ट्रैक्स छोटे छोटे सेक्टर से नजर आते हैं, लाइन से नजर आती हैं, सर्कल से नजर आते हैं, ठीक है। तो इनमें ये सारी चीजें लगी थी, ये हेड लगा हुआ है, ये प्लेटर्स हैं, ये एक्चुएटर आर्म लगी हुई है और ये एक्चुएटर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क, जिप डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। ये सब जो है मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क होगी, जिप डिस्क होगी, फ्लॉपी डिस्क होगी, आदि कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। तो आज के लिए हमारी आउटपुट डिवाइसेस ही काफ़ी थी। कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिंद माता।